दोस्तों स्वागत है रियल टेल नेटवर्क पर। दोस्तों आपको पता ही है ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है, 17 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का। इसके लिए जो आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाएं कि आप इतना स्कोर कर दें कि आपका फर्स्ट डिवी में ही सिलेक्शन हो जाए और फर्स्ट डिवी में ही आप अपना मेडिकल और फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो ग्रुप डी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे कि ताकि आपको अगर जनरल कैटेगरी में के लिए भी आपको क्वालिफाई करना है तो 75 से ज़्यादा ही आए। CBT एग्ज़ाम है, ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और नया सिलेबस क्या है, और इन 2 महीनों में क्या करें ताकि आपका सेफ स्कोर हो और आप अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और आपका किस तरह से पेपर होने वाला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एक सिलेबस की तरफ और व्यू देखें तो ऑर्गेनाइजेशन RRB दे रही है ग्रुप डी का एग्ज़ाम में। सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो मिनिमम रहेगा ना वो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ओके। कैसा एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कब एग्ज़ाम होने वाला है, 17 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है आपको, और ये ड्यूरेशन कितना रहेगा, 90 मिनट्स रहेगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर मिलने वाला है। अगर आप नेगेटिव करते हो तो 1/3 कट जाएगा आपका। और सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से रहेगा, पहले सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा, ओके। और इसकी ऑफिशियल साइट कौन सी है, http://www.rrbcdg.in पर जा कर देख सकते हो। अब अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न, ओके, सबसे पहले CBT 1 रहेगा, उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा वो देखिए आप, कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25, मैथमेटिक्स के भी 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के कितने रहेंगे, 20। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे करिए, 30 में से 30 लाइए, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा। दूसरा, आप 30 में से 30 बिल्कुल ला सकते हैं, नॉर्मल एक जर्नल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं बहुत नॉर्मल आते हैं, यानी आपको इसमें से 30 में से 30 कवर करना है, प्लस मैथमेटिक्स में 25 में से आप अगर 15 भी कवर कर लेते हो तो 30 + 15 कितने हो जाएंगे, 45, और जर्नल अवेयरनेस के बाई चांस आप अगर 10 भी कर लेते हो, ओके, और इसके भी 10 कर लेते हो, और इसके मतलब मान लो चलो कि जर्नल अवेयरनेस के 20 में से अगर आप 10 ही कर लेते हो, 10 10 20 20 50 65, अब आपको सबसे ज़्यादा 65 ही आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस किस पे देना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं तो अच्छे से कवर करूं, तो मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस में ज़्यादा फोकस करिए और जनरल साइंस में ज़्यादा फोकस करिए। कुल मिला के आपको 75 क्रॉस करना ही करना है ताकि आपका फर्स्ट डिवी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, किस तरह से कट ऑफ जाता है और उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से आएगा क्वेश्चन, डेसिमल से, एलसीएम से, रेशियो और प्रोपोर्शन से, मेजरेशन से, टाइम और डिस्टेंस से, प्रॉफिट और लॉस से, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से, स्क्वायर रूट से, कैलेंडर और क्लॉक से, बोर्ड मास से और फ्रैक्शन से, ओके। और इसके अलावा SCF से आएगा, ओके, परसेंटेज, टाइम वर्क, SI, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, कुल मिला के ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप यानी 10th और 12th के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बस 10th और 12th की जो बुक्स हैं उसको अच्छे से कवर कर लो, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जो 5 सेकंड में होने वाले हैं, 100 ट्रिक जो लगती हैं, तो वो करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो सबसे ईजी, अगर इसका पार्ट देखें तो रीजनिंग ही है, आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। एनालॉग्स आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग आने वाला है, रिलेशनशिप्स आने वाले हैं, जंबलिंग, DI और सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, स्टेट्समेंट आर्ग्यूमेंट्स, अल्फा, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकली सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शंस, इससे संबंधित। ये मुश्किल से आपका 15 दिन का कोर्स ही है, 15 दिन में आप बस ये जो 18 हैं उसको अच्छे से कवर कर सकते हो, और अच्छे से आपके नंबर इसमें आने ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है, ओके। अगर अपन जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उससे भी आप बिल्कुल एक छोटी सी बुक खरीद के भी आप देख सकते हो। अगर अपन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप 2021 के जितने भी स्पोर्ट्स हुआ, कल्चर हुआ, पर्सनालिटीज़ हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा,
क्योंकि इसको देखने से क्या है, आपका एक कॉन्फिडेंस जगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और अब अगर अपन बात करें आगे की बात करें दोस्तों, तो क्या कितना सेफ स्कोर रहेगा वो आगे बात करते हैं। दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर रहेगा, देखो कितना सेफ स्कोर करे ताकि जनरल के लिए 75+ बस इतना अगर आपका कर लेते हो तो फर्स्ट डिवीजन में आपका सिलेक्शन पक्का है जनरल में भी। अगर ओबीसी की बात करें तो 70+ अबोव आने चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67-68 से अबोव आने चाहिए, ओके। और अगर अपन एससी की बात करें तो 66, एसटी की बात करें तो 64, और एक्स सर्विसमैन पर करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही इजी मामला है ये, बिल्कुल कम कट ऑफ जाती है, 30 ही चली जाती है कभी कभी तो, ओके। पीडब्ल्यूडी का 58, ओके। और सीएए का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि सीएए का आजकल ज़्यादा हो गया, 45+ है। तो एक मान के चलिए कि आप अगर वैकेंसी भी बहुत हैं और 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 1,00,000 से 3,000 के समथिंग है, तो आप मान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से जुट जाइए और अभी से इतनी मेहनत करिए कि बस मेरे को ये नौकरी लेनी ही लेनी है। तो दोस्तों अब आपको बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कराएँ। धन्यवाद दोस्तों।